हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस अपना घोषणा पत्र जारी कर चुकी है। 7 वादे पक्के इरादे के तहत कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में 7 बड़ी गारंटी दी। कांग्रेस ने इस गारंटी के तहत हरियाणा के विकास और जन कल्याण से जुड़े कई महत्वपूर्ण वादे किए। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा कि अगर सत्ता में आए तो हर वादा पूरा करेंगे। कांग्रेस के घोषणा पत्र के मुताबिक 18 से 60 साल की सभी महिलाओं को 2,000 रूपए प्रति माह, 500 रूपए में गैस सिलेंडर, बुजुर्गों, दिव्यांगों और विधवाओं को 6,000 रूपए पेंशन, सरकारी विभागों में 2,00,000 पक्की नौकरियां, 300 यूनिट मुफ्त बिजली, साथ ही जातिगत सर्वे करवाने का भी वादा किया। इतने सरकारी नौकरियां खाली है, वो कोई सरकार भर्ती नहीं कर रही। देश में हमने पहले इससे पहले भी कहा कि सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट में कम से कम 30-35 लाख वैकेंसीज है, सेंट्रल गवर्नमेंट भर रही नहीं। हरियाणा में 5 अक्टूबर को वोटिंग है और 8 अक्टूबर को नतीजे आएंगे। पहले चुनाव आयोग ने 1 अक्टूबर की तारीख तय की थी, लेकिन बाद में इसमें बदलाव किया गया था।